गुड मॉर्निंग जय मुरलीधर। रात तो बहुत लेट स्टार्ट किया है, 10 साढ़े 10 बज गए होंगे। थोड़ा सा काम आ गया था, वो कंप्लीट करने गया था, तो आज तो शायद मेहमान आने वाले होंगे। देखो खाना भी बन रहा है और यहाँ पर देखो इतना सारे में फैला दिया है वातावरण। देखो और भी ये है, ये यहाँ से भी आगे जा सकता है और यहाँ से वहां तक पूरा फैला दिया। देखो और वहां पर भी अभी कुछ ना कुछ साफ सफाई हो रही है। देखिए कौन मेहमान आने वाले हैं मम्मी? यू वहां पाथरना है ना इसलिए ये आम देखो ये आम तो ऐसे सिलाई हो रही है तो यहाँ पर सिलाई चल रही है। देखो यहाँ में जहाँ पर भी टूट गया है ना वहां पर सिलाई हो रही है। तो हमारा मशीन है सिलाई मशीन, उसमें बढ़िया से नहीं हो पा रही, इसलिए ऐसे पूरा फैला करके मस्त हाथों से ही लग गए। तो कपड़े वगैरह चेंज करके हो चुके हैं रेडी, आज जाने वाले हैं पोरबंदर। तो अभी थोड़ी देर बाद निकलेंगे हम, दो लोग जाने वाले हैं, मैं और हमारे एक फ्रेंड। आगे अपने वीडियोस में देखा होंगे मेरे साथ जॉब करते हैं ना, उनके साथ जाने वाला हूँ। तो उनको हॉस्पिटल में कुछ काम है और मुझे भी कुछ ना कुछ है, वो आपको लेंगे मिल जाएगा तो बता दूंगा। बहुत टाइम बाद जाने वाला हूँ मैं, तो उनका तो काम होता है तो वो तो जाते रहते, उनकी शॉप भी है, शॉप का सामान वगैरह लेने भी उनको जाना का काम, मतलब आना जाना रहता है बंदर का। चलो अभी थोड़ी देर बाद हम भी निकलेंगे, फिर उनके घर से दोनों खुद करके जाएंगे। ये है निमेश भाई का घर, यहाँ अपनी बाइक पार्क कर दी है, रख दी है। और ये रही निमेश भाई की बाइक, तो चलो ये वाली बाइक लेकर दोनों जाएंगे एक साथ। चलो अभी चलते थे। चलो घर से निकलते हैं और पोरबंदर की तरफ प्रस्थान करेंगे। चलो धर्मेश भाई चलो मेरे साथ ही बन जाओ। मुझे चलानी पड़ेगी। चलो आपको ही चलानी। चलो तो हाईवे पर आ चुके हैं, ये तो अब तक का तो जानता हुआ ही है, यहाँ तो हर दिन आना पड़ता है। ये वाले रास्ते से तो हमें हर दिन आना जाना रहता ही है। हाँ थोड़ा दूर से, थोड़ा दूर तक ये रास्ता हर दिन का है हमारा। देखो यहाँ तक तो हम हर दिन आते ही रहते हैं, अब यहाँ से आगे का नया रास्ता है हमारे लिए। वैसे यहाँ से भी जाते हैं कभी कभार। तो मूर द्वारका में पहुंच चुके हैं। देखो यहाँ पर दर्जा दिख रहे हो, अभी तो वहाँ गांव से होकर जाना पड़ता था, लेकिन अभी आए हुए हो गया ना तो बाइक बस से जा सकते हैं। धूप बहुत है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट लिया है, पानी वगैरह पी ले, मुंह वगैरह थोड़ा साफ कर ले ताकि धूप ना लगे बहुत ज्यादा। देखो यहाँ पर है पानी का व्यवस्था। क्यों भाई पी लिया? ठंडा है यहाँ पर। देखो टेम्पल भी है तो वहां पर जाने का उतना टाइम नहीं है, यहाँ से ही हम पानी पीकर जा रहे हैं। शिव जी का टेम्पल है और एक दो माता जी के भी टेम्पल है। तो ऐसा कुछ है, देखिए अभी अंदर नहीं जाना है, यहाँ से ही दर्शन कर लेते हैं। देखो गाइस यहाँ पर सुजलन का काम चल रहा है, ये नया तो नहीं है, इसमें कुछ खराब हुआ होगा वो चेंज होने वाला होगा। बाकी ये देखो इस साइड भी, इस तरफ भी सुजलन के ही है और आगे ये जो दिख रहे हैं वो नए लगे हुए भी हैं। अभी ऑफ रोड पर आ चुके हैं, देखो ये सामने ही है हाईवे, यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है, पोरबंदर सीधा पहुँचेगा ये। सुनसान रास्ता है पूरा ये गाइस, और थोड़ी ही देर में बोकी रह जाएगा, यहाँ से बहुत शॉर्टकट पड़ता है।
लेकिन नाइट के टाइम में यहाँ से आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पोरबंदर में आ चुके हैं, देखिए। तो यहाँ पर बाइक पार्क कर दी है, अभी निमेश भाई को कुछ सामान ऑर्डर करना है, वो जानेंगे। क्यों भाई, सब शॉप का सामान ऑर्डर करने जाना है? देखो गाइस, निमेश भाई ने इतना कुछ खरीद लिया है शॉप के लिए, बहुत सारा सामान है। नहीं निमेश भाई, हाँ शॉप के लिए, शॉप की है ये सारी चीजें। इसमें चुंदड़ी है, ब्रश है, सारी घर की आइटम है, सभी आ गए। नहीं देखो, ये तीन बॉक्स भरे हुए। यहाँ पर हमने भी थोड़ा बहुत सामान ले लिया है, ये स्पेनर लिए है हमने, बाकी ये सारा कुछ निमेश भाई का सर सामान है। ये पूरा ले जाना है हमें, पार्सल पार्सल करने वाले है, ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा। देखो इतनी सारे से, देखो गाइस ये कुत्ता फोर व्हील के ऊपर बैठा है, देखो मस्त। ये देखो पूंछ भी कटी हुई है, देखो स्विफ्ट डिजायर के ऊपर मस्त बैठा है। तो निमेश भाई सामने गया है हॉस्पिटल में, ये वाली देखो स्किन क्लिनिक है ना, उसमें मैं यहाँ पर मस्त बैठा हूँ। यहाँ पर बाइक खड़ी करी हुई है और मैं बाइक के ऊपर ही बैठा हुआ था, वहाँ पर एसी चल रही थी ना, इसलिए मज़ा नहीं आया, एसी की हवा इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे। देखो इसमें सारा सामान है और वहाँ पर ये जो ठेली है उसमें है सारी अगरबत्तियाँ। तो ये शॉप का सामान है निमेश भाई का, बाकी वो पूरी बड़ी बैग दिखाई थी वो तो ट्रांसपोर्ट में आ जाएगी, ये इतना सामान अभी हम बाइक में ले जाएंगे। मैं सिर्फ निमेश भाई के साथ ही आया था, बाकी एक स्पेनर खरीदा हमने। तो निमेश भाई भी आ गए हैं हॉस्पिटल में, चेकअप हो गया ना कंप्लीट, स्किन के रिलेटेड था। चलो अभी निकले, अब निकल गए, काम हो गई है। काम ढलने वाली है, 6:30 बज गए है, देखते हैं रास्ते में कुछ भी लगेगी। हमारे साथी तो बहुत मजा है, ऐसा है, चल लिए। अब कहीं पर रुकना होगा तो कुछ ना कुछ खाने के लिए, खाने पीने का वो भी निमेश भाई की तरफ, हाँ चलो। अब तो शाम हो चुकी है और निमेश भाई यहाँ पर और भी सामान लेने गए हैं शॉप का। देखो पूरी तरीके से शाम हो गए, 7 बज गए, बहुत टाइम लग जाएगा, ट्रैफिक भी कहीं कहीं पर तो बहुत परेशान कर रही है। तो डोसा खा रहे, ये यहाँ का फेमस डोसा है पोरबंदर का, हमने बहुत खाया और मेले के टाइम पे हम आए थे, तब उसने बोला था अभी आपको 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा तब यह डोसा के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी रुके थे, इतना सारा सामान है नहीं निमेश भाई, ये तो थोड़ा सा टूट गया, ये ठेली थोड़ी वीक थी, बाकी देखो अभी 32 इतना बाकी है, अभी इतना रास्ता हमें तय करना है। अब चलाओगे ना तुम निमेश भाई? देखो इस तरफ फिर टोल गेट, यहाँ पर थोड़ा सा रुके थे, थोड़ा रेस्ट कर ले ताकि बाइक बस बढ़िया से चला पाए। तो अभी निमेश भाई बोल रहे अब तुम्हें ही चलानी पड़ेगी, इतनी देर चला ली है मैंने, चलो अब हम चला लेंगे, है ना भाई? हाँ जी। तो अभी हम गांधी पहुंचे ना? नहीं गांधी नहीं यार, म्यानी का पुल है ये, देखो यहाँ मस्त सा नजारा दिख रहा है। चलो अब यहाँ से तो थोड़ा ही दूर है, अभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। आज का वीडियो निमेश भाई के साथ एंड करते हैं, क्यों भाई? जी आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, बाय बाय।